उधम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर यूपी पुलिस द्वारा दबिश के दौरान उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं बद्री क्षेत्र के लोगों ने पंचायत सदस्यों के साथ सुभाष चौक पहुंचकर कैंडल मार्च निकालकर गुरप्रीत कौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऊधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुरप्रीत कौर हमारी समिति की एक होनहार कर्मचारी थी। दुखद है, अत्यंत दुखद है, 12 तारीख को शाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके घर पर दबिश दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी कर्मचारी निर्दोष मारी गई। हम सहकारिता परिवार की ओर से दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम अपने कर्मचारी के लिए न्याय की गुहार प्रशासन से करते हैं। हमें हर हाल में न्याय चाहिए। इसका विषय है हमारे बहुत ही सम्मानित जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं श्री गुरताज भुल्लर जी, जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनके घर पर जो सिविल ड्रेस में कुछ लोग घुसे और जिस तरह से उन्होंने गोलीबाजी की और उस गोलीकांड में उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया है, उस घटना से पूरे ही विधानसभा में और पूरे ही क्षेत्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि ऐसे तो कोई भी किसी घर में घुस जाएगा और कभी कोई भी अनहोनी हो सकती है।